मैं राजेश कुमार मिश्रा, हमारे साथ हैं राजेंद्र पांडे जी, ये यहाँ के प्रधान आचार्य हैं। हम लोग 12 तारीख से यहाँ पर मंदिर प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। कल 12 तारीख था, कल हम लोग अन्नपूर्णा घाट से जल यात्रा का किए, जल यात्रा लेकर आए, आके यहाँ पर वेदी पूजन किया गया। वेदी पूजन के बाद यहाँ जो मूर्तियाँ हैं, सब मूर्तियों का अधिवास किया गया, जलाधिवास, फलाधिवास, अन्नाधिवास, घृताधिवास, धूपाधिवास, सब हर धर्म का प्रकार का अधिवास किया गया। आज सुबह हम लोग आए, यहाँ वेदी पूजन हुआ, उसके बाद नगर परिक्रमा के लिए मूर्ति को भेजी गई और नगर परिक्रमा करके आने के बाद यहाँ पर सज्जाधिवास दिया जाएगा। सज्जाधिवास के बाद मूर्ति की जगह पर, अपने अपने जगह पर रख के प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद यज्ञ आदि कार्यक्रम किए जाएंगे, उसके बाद कीर्तन और रामायण पाठ हवन चलता रहेगा कल तक। बस यही प्रोग्राम है हम लोगों का। उसके बाद का पूर्णाहुति हो, कल यज्ञ का पूर्णाहुति हो जाएगा। हवन आदि होने के बाद यहाँ महाप्रसाद का वितरण किया जाएगा आज दोपहर 3:30 बजे के बाद। ये जो मंदिर स्थापित किया गया है, यह मंदिर जो स्थापित किया गया है वो मेहरपुर के क्वारपार में नाइटेंगल हॉस्पिटल के सामने ये शिव मंदिर स्थापित किया गया है। यह मंदिर जो है ये पूरे बराक घाटी के लिए एक सुख समृद्धि शांति आदि के लिए भगवान शिव जी से प्रार्थना किया जाएगा। इसी उद्देश्य से इस मंदिर को निर्माण किया गया है और यहाँ सिलचरवासी के भी आय उन्नति सुख समृद्धि बनी रहे, इस उद्देश्य से यहाँ के लोगों ने इस मंदिर को स्थापित किया है। यहाँ पर पहले से यहाँ पर मंदिर था, इसको नया रूप से भव्य बनाया गया। मैं शिव मंदिर मेहरपुर क्वारपार से बोल रहा हूँ। इसका प्रेसिडेंट श्री मेमो गोसाई उदय शंकर गोस्वामी हैं। मैं कृष्ण मुरार सिंह अध्यक्ष हूँ। हाँ, उसके बाद 3 दिन का प्रोग्राम है। कल गत कल आपको क्या बोलते हैं, कलश यात्रा था, आज मंदिर का भगवान का प्रतिष्ठान है। उसके बाद 2 बजे के बाद फिर यज्ञ शुरू होगा। उसके बाद कल सुबह इसका प्रोग्राम ख़त्म हो रहा है। उसके बाद कल कीर्तन ख़त्म हो जाएगा 6 बजे। 7 बजे से विवाह कीर्तन है, जो कि बिहार का मंडली आया है और इसके लिए सारे शहर में आने के लिए हम लोग अनाउंस कराए हुए हैं। सारे भक्त, बहुत भक्त जुटे हैं, कल से ही जुट रहे हैं, बाहर बाहर से भी आ रहे हैं। बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है। थैंक यू।